हाँ इतना हुआ। इसके बाद फिर से इस क्वेश्चन के रिपीट कर देते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया था, 2c और 75+b वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण बेटा दोनों इक्वल होंगे, लिख लिया। इसके बाद क्या किया था, 4b और a वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण शीर्षाभिमुख कोण के कारण दोनों इक्वल होंगे बेटा, तो वो भी हमने लिख लिया। इसके बाद थर्ड कौन सा अपना कॉन्सेप्ट यूज किया, एक सीधी रेखा पे बने सभी कोणों का योग बेटा कितना होता है, 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। हाँ ये देखिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल 75+b+a = 180 डिग्री, इतना लिखा। इसके बाद हमें पर्टिकुलर ए बी और सी की वैल्यू अलग अलग निकालनी है, फिर हमने इस वैल्यू को ए की वैल्यू इसमें रखा इस वाली क्वेश्चन में, तो हमने हमको क्या बी की वैल्यू निकालाई, फिर बी की वैल्यू को क्वेश्चन फर्स्ट में रखा तो ए की वैल्यू निकालाई। इसके बाद फाइनली हम सी की वैल्यू निकाल पाए। अब आपको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले ए फिर बी फिर सी। तो ए की वैल्यू आपकी 74 है, बी की वैल्यू आपकी 21 है और सी की वैल्यू आपकी 48, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्या लिखा है, 6 नंबर पे करस्पोंडिंग एंगल। करस्पोंडिंग एंगल हिंदी मीनिंग होती है बेटा इसकी संगत कोण। क्या संगत कोण, एक ही स्लाइड पे आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से एंगल, देखिए करस्पोंडिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, कॉन्जिग्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण। क्या बेटा, कॉन्जिग्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, इस सभी को बेटा हम एक ही स्लाइड पे आपको बता दे रहे हैं। और पॉइंट लाइंस एंड एंगल का पूरा बेटा सार निचोड़ यही है। और इस कंसेप्ट को अगले 10 मिनट के लिए आप पूरा टाइम दीजिए, फोकस आपका यहीं पे रहना चाहिए, वरना आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया तो पूरा समझना भी बेकार हो जाएगा आपका। तो अगले 10 मिनट के लिए आपको केवल यहीं पे फोकस करना है और समझते हैं। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था ना, क्या ट्रांसवर्सल, क्या बेटा ट्रांसवर्सल, इसमें आपने ट्रांसवर्सल का फिगर क्या बना हुआ देखा था, तो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड रेखा अगर इंटरसेक्ट कर दे तो आपके बेटा 8 प्रकार के कोण बनते हैं। करेक्ट, 8 प्रकार के बेटा आपके कितने, 8 प्रकार के कोण बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। और आज इन सभी एंगल को बाई पार्ट 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 में पढ़ना आज आपको बताया जाएगा। हाँ चलिए, तो पहली आप हेडिंग डालिए कौन सी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ये देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, जस्ट अभी आपने पढ़ लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। हाँ आमने सामने कोण आपके बराबर होते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, इस वर्टिकल अपोजिट एंगल में इसके वैल्यू निकालने के लिए, इक्वेट वैल्यू निकालने के लिए आप देखिए क्रॉस का निशान कहाँ पे बन रहा है, पहले आपकी नज़र वहीं पे जानी चाहिए। तो क्रॉस का निशान एक आपका ऊपर बन रहा है बेटा, एक आपका नीचे बन रहा है। करेक्ट, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कारण आमने सामने कोण आपके बराबर होते हैं। करेक्ट, तो एंगल सॉरी एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 जो है बेटा आपका एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। करेक्ट, इतनी बात समझ में आई। एज अ सिमिलरली इसी प्रकार इस वाले क्रॉस के निशान पे आप देखिए तो 5 आपका 7 के इक्वल होगा, 6 आपका 8 के इक्वल में होगा। करेक्ट, तो एंगल 5 आपका एंगल 5 आपका एंगल 7 के इक्वल में होगा और एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल में होगा, एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल में होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे करस्पोंडिंग एंगल, करस
बॉन्डिंग एंगल। ये बेटा तिरसाभिमुख कोण हिंदी मीनिंग होती है इसकी, बेटा हिंदी मीनिंग होगी संगत कोण। क्या बेटा? संगत कोण, करेक्ट। इस वाले एंगल तक आपको कोई भी किसी बच्चे को कोई डाउट होगा? हुआ नहीं। अब आपकी बारी आती है करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। संगत में अब देखते हैं कौन कौन से किसकी संगत में है। तो आप बेटा देखिए यहाँ पे फिर से ये फिगर बनाते हैं यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए। दो पैरेलल लाइन थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर दें तो यहाँ पे आठ प्रकार के आपके कोण बनते हैं, वो आपको लिख लेना है। इसके बाद बेटा अब आप पढ़ क्या रहे हैं, करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण। हाँ एंगल देखते हैं कौन किसकी संगत में है। हाँ एंगल वन जो है आपका बेटा एंगल फाइव की संगत में है। हाँ इस वाली स्ट्रेट लाइन पे आइए आप, तो एंगल वन जो है आपका बेटा एंगल फाइव पे इक्वल में है, करेक्ट। ऐसी इसी प्रकार एंगल फोर आपका, एंगल फोर आपका एंगल एट के इक्वल में है। देखिए लिखिए एंगल वन जो है बेटा आपका, एंगल वन जो है एंगल फाइव पे इक्वल में है, एंगल वन जो है आपका एंगल फाइव पे इक्वल में है, एंगल फोर आपका एंगल एट के इक्वल में है, एंगल फोर आपका एंगल एट के इक्वल में है। इसके बाद आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि इस वाली रेखा पे आप आइए, इसी वाली पे एंगल टू जो बेटा है आपका, एंगल टू आपका सिक्स के इक्वल में है, करेक्ट। एंगल टू आपका एंगल सिक्स के इक्वल में है। इसी प्रकार एंगल थ्री आपका, संगत देख रहे हैं ना, तो एंगल थ्री आपका एंगल सेवन के इक्वल में होंगे, लिख लेते हैं। एंगल टू जो है बेटा आपका एंगल सिक्स के इक्वल में है और एंगल थ्री आपका एंगल सेवन के इक्वल में है, एंगल थ्री आपका एंगल सेवन के इक्वल में है, करेक्ट। इतनी बात समझ में आए, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए इसके बाद बेटा इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कीजिए और छोटा सा कर दीजिए यूं, ठीक है। इसके बाद करस्पोंडिंग एंगल की बात हो गई। इसके बाद बेटा आप हेडिंग डालिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। क्या बेटा हिंदी मीनिंग होगी इसकी? एकांतर कोण। बेटा ये जो एकांतर कोण है आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका एक्सटीरियर और एक आपका इंटीरियर, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इस वाले को नीचे ले जाते हैं क्योंकि ये दो आपके होते हैं ना। चलो हाँ चलिए अब आप लिख पाएंगे, आ जाएगा। ये आपका जो अल्टरनेट एंगल है बेटा, अल्टरनेट एंगल दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और सेकंड आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसे ये वाला ग्राफ फिर से बनाइए आप, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंगल। अब आप पढ़ क्या रहे हैं अल्टरनेट, और अल्टरनेट में बेटा इंटीरियर एंगल। तो बेटिए देखिए बेटा अंता कोण लेना है अब आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए बेटा जेड कहाँ बन रहा है, तो आप एज्यूम करिए ये वाला जेड बन रहा है ना, कहाँ पे, ये आप देखिए जेड बन रहा है। एक आपका जेड देखिए बेटा सीधा बन रहा है, हाँ, और एक जेड आपका बेटा देखिए ये भी तो बन रहा है पर ये उल्टा बन रहा है, करेक्ट। एक आपका सीधा जेड बन रहा है और एक आपका उल्टा जेड बन रहा है। तो यहाँ से देखिए किस एंगल की क्या वैल्यू होगी, जब आप सीधे वाले जेड में जाएंगे तो एंगल थ्री आपका बेटा एंगल फाइव के इक्वल में होगा, एंगल थ्री आपका एंगल फाइव के इक्वल में होगा। ऐसे ही जब आप इसका उल्टा जेड देखेंगे तो एंगल टू आपका
एंगल टू आपका एंगल एट के इक्वल में होगा, एंगल टू आपका एंगल एट के इक्वल में होगा, करेक्ट, कोई दिक्कत। चलिए इसके बाद अब आपको बेटा इसी में एक्सटीरियर एंगल लेना है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? बाहर कोण, बाहरी कोण। अब देखिए इसमें जब बाहरी कोण आप देखेंगे तो देखिए जेड आप बनाइए पहले, तो एक आपका सीधा जेड बन रहा है हा? और बेटा एक आपका उल्टा जेड बन रहा है। अभी आपने अंदर वाले कोण लिए थे एक्सटीरियर इंटीरियर, अब आप देख रहे हैं एक्सटीरियर मतलब बाहरी वाले कोण हा? तो बाहर वाले कोण कौन से होंगे आपने देख लेते हैं। जब आप देखिए सीधा जेड बनाएंगे तो एंगल फोर आपका बेटा, एंगल फोर आपका एंगल सिक्स के इक्वल में होगा, करेक्ट, एंगल फोर आपका एंगल सिक्स के इक्वल में होगा। इसके बाद जब आप उल्टा जेड बनाएंगे और एक्सटीरियर एंगल को देखेंगे तो एंगल वन आपका एंगल सेवन के इक्वल में होगा, एंगल वन आपका एंगल सेवन के इक्वल में होगा। आई होप आप ढंग से समझ पाए होंगे। इसके बाद एक आपका और बच जाता है, कौन सा? कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण। हाँ, क्रमागत आंतरिक कोण, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल शॉर्ट में लिख दिया है क्रमागत आंतरिक कोण, करेक्ट। ये क्या होगा बेटा? पहले तो आप ग्राफ बना लीजिए, दो लाइन इंटरसेक्ट कर दे थर्ड लाइन। तो बेटा इस वाले में क्या होता है? इस वाले में बेटा ये जो अंदर वाले कोण होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये मान लो अगर अल्फा है ये बीटा है, और एज ए सिमिलरली इसी प्रकार इधर भी ये अल्फा है ये बीटा है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा, इस लाइन पे आइए आप और देखिए जो अल्फा और बीटा का जो बेटा योग होता है बेटा, ऐसे जहां पे आपका यू का निशान बन जाए, क्या यू, एक आपका इधर का यू बन रहा है और एक आपका ये यू बन रहा है, करेक्ट। इसके बाद ये दोनों का जो बेटा योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री, 180 के बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का जो बेटा आपका योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री, करेक्ट। अब आपकी चॉइस है, इसमें थोड़ा कंक्लूजन क्लियर कर देते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप अल्फा को ले लें 100 डिग्री और बीटा को ले ले 80 डिग्री, फाइनली आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 180 ही आनी चाहिए, अगर इससे कम या ज़्यादा है तो आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये कंडीशन होती है ना बेटा, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, क्रमागत आंतरिक कोण। किसी दूसरे बच्चे का मन हुआ कहीं नहीं हम इसको 80 लेंगे, इसको 100 लेंगे, तो अकॉर्डिंग योर माइंड जो आपको अच्छा लगे, पर बेटा जो इसका सम होगा 180 ही आना चाहिए, करेक्ट। ये एक डाउट क्लियर हो गया। ये जो बेटा है आपको बिल्कुल माइंड में एकदम बिल्कुल आपका समझो सिनारियों के तरीके से छपा होना चाहिए, इसी के आगे कंसेप्ट पूरा यूज होगा। आप देखेंगे आपके जो एग्जांपल आएंगे ना इसी कंसेप्ट पे आधारित होंगे सब। ये बेटा लाइंस एंड एंगल का पूरा क्या है? निचोड़, करेक्ट। फिर से देख लेते हैं क्या था ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में बेटा आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण दो कोण बनते हैं, हाँ दो ही कोण, आप देखा केवल दो ही कोण थे पर इनके प्रकार कितने हो जाते बेटा? 8, करेक्ट। अब इनको पार्ट पार्ट करके कट कट करके पढ़ लिया। इसके बाद सबसे पहला कौन पड़ा? वर्टिकल अपोजिट एंगल, करेक्ट, वर्टिकल अपोजिट एंगल देख लिए। संगत कोण, किसकी कौन किसकी संगत में है? वर्टिकल अपोजिट देख लेते हैं, एंगल एक, एंगल थ्री, एंगल टू, एंगल फोर के अपोजिट, ठीक है, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल फाइव, एंगल सेवन वर्टिकल में देख रहे हैं, एंगल सिक्स, एंगल एट के इक्वल में, करेक्ट। जब आप बेटा करस्पोंडिंग एंगल पे आए, संगत कोण पे जब आए, तब देखा कौन किसकी संगत में है, तो एंगल वन आपका एंगल फाइव के इक्वल में, एंगल टू आपका एंगल सिक्स के इक्वल में, एंगल फोर आपका एंगल एट के इक्वल में, एंगल थ्री आपका एंगल सेवन के इक्वल में। इसके बाद आए बेटा आप अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका इंटीरियर एंगल, एक आपका एक्सटीरियर यानी बाहर वाला एंगल। इसमें आपको ध्यान देना है बेटा कहाँ पे जेड बन रहा है, लो आपको बना देता हूं। इसमें आपको क्लू वर्ड क्या है? जेड देखना है कहाँ पे बन रहा है,
सीधा जेड और उल्टा जेड, सीधा जेड और उल्टा जेड। इसमें आप अंदर वाले जेड के एंगल को मेजर करेंगे और एक्सटीरियर वाले में मेजर करेंगे बाहर वाले एंगल को, करेक्ट। तो जब देखा अल्टरनेट, देखा पहले जेड कहाँ बन रहा है, तो जेड आपने बनाया तो एंगल 3 एंगल 5 पे इक्वल में होगा। एंगल 2 जब आपने उल्टा जेड बनाया तो एंगल 2 आपका एंगल 8 के इक्वल में होगा, करेक्ट। इसके बाद बेटा जब आपने बाहर वाला जेड बनाया और बाहर वाले एंगल को जब मेजर किया तो एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल में होगा। जब आपने उल्टा जेड बनाया और बाहर वाले एंगल को मेजर किया तो एंगल 1 आपका एंगल 7 के इक्वल में होगा, करेक्ट। इसके बाद बेटा, इसके बाद आप आ गए कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण, करेक्ट। क्या? क्रमागत आंतरिक कोण। अब देखिए यहाँ पे यू बनाइए, एक आपका इधर यू बन रहा है, एक आपका इधर यू बन रहा है। इन बेटा दोनों का जो योग होता है सम 180 इक्वल होगा, ना इससे कम ना ही इससे ज्यादा। इसके बाद इतना समझ गए? और बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में समझो, कैसे भी आप याद करो पर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा आपका एक एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दिया गया है, आपका फिगर भी दिया गया है। थ्री लाइन है आपकी, एल एम एंड एन आर पैरेलल, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। इसके बाद आपको एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल, कौन सा एंगल, ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब इस बी वाले एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। जब आपको अभी पढ़ाएंगे बेटा, हमने क्या क्या कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे चुनिंदा क्वेश्चन जो बिना विदाउट पेन एंड पेपर उठाए आप कर लेंगे। जब आपको पढ़ाएंगे एरो कंसेप्ट, तो एरो कंसेप्ट के कारण ये दोनों एंगल की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो 60 और 45 को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी डायरेक्ट एक ही बार में वैल्यू आ जाएगी। हाँ चलिए 105 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं बेसिक तरीके से जो कुछ आपने पढ़ा। देखिए यहाँ पे देखिए बेटा आपका जेड बन रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल में होगा इंटीरियर एंगल, हाँ तो ये भी हो जाएगा 60, करेक्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी बेटा जेड बन रहा है, इंटीरियर जेड बन रहा है, हाँ तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, तो ये भी बेटा हो जाएगा 45। और आपको दिया क्या गया, एंगल ए बी सी जो बीच वाला होता है बेटा, इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बी, एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 प्लस 60 डिग्री। तो फाइनली बी की वैल्यू क्या निकल आएगी, 105 डिग्री, करेक्ट 105। किसी को कोई डाउट नहीं, फिर से रिपीट कर देते हैं क्या किया था। देखो देखिए क्या किया था हमने, ये आपस में लाइन तीनों पैरेलल हैं ठीक, इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया गया है। इसके बाद आपने इसको सॉल्व करने का जुगाड़ लगाया अपना, कौन सा, निंजा टेक्निक, अच्छी वाली जो अभी आपने पढ़ा है। ये आपने देखा यहाँ पे जेड बन रहा है बेटा और इंटीरियर, हाँ अल्टरनेट आपके दो प्रकार के थे, अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपने पढ़ा। देखिए ये अल्टरनेट आपके दो प्रकार के, एक इंटीरियर एक आपका एक्सटीरियर, करेक्ट। वही कंसेप्ट का आपने यूज किया यहाँ पे, देखा ये 60 है बेटा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60। फिर आपने यहाँ देखा ये भी तो जेड बन रहा है इंटीरियर उल्टा जेड, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, ये 45 तो ये भी 45। आपको B की वैल्यू ही निकालनी है, तो 45 और 60 को जोड़ा तो आपका कितना आया बेटा, 105। ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन और है, कर लेते हैं इसको भी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, इन द गिवन फिगर, फिगर के बारे में चर्चा की गई है, एल एम एन आर आपस में तीनों पैरेलल हैं। इसके बाद रेशियो दिया गया किसका, बी और सी का रेशियो कितना दिया गया, 2:3। What is the value of A? आपको A की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए जो दिया गया पहले आप दीजिए, देखिए गिवन है आपको, गिवन क्या है आपको, B:3 इज इक्वल टू, ये भी समझा देते हैं आपको, B इज इक्वल टू 2:3। तो देखिए जो वैल्यू पहले लिखी होती है उसी का ये वैल्यू होता है, और जो बाद में होती है उसकी वैल्यू बाद में होती है, मतलब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। अब इसके बाद इसका इसमें आपको एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए आपका कहाँ, ये इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, बताइए जल्दी से,
अब हम कहेंगे जो हमने पढ़ा बस उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। सबसे पहले रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको वेरिएबल देना पड़ेगा, ये बात आपको बार बार हम याद दिलाते रहेंगे, करेक्ट। चलिए सॉल्व करते हैं इसमें। तो बी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं ना, इसको ले लिया हमने 2x, तो ये हो जाएगा आपका 3x, करेक्ट। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, b की वैल्यू आपकी देखिए यहाँ पे 2x और c की वैल्यू आपकी 3x, b की वैल्यू आपकी 2x और c आपका ये है क्या है 3x। इतना आप अभी समझ पाए। इसके बाद ये देखिए वर्टिकल अपोजिट क्रॉस बन रहा है बेटा ना, ये देखिए क्रॉस बन रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट कारण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये 2x है तो ये भी कितना हो जाएगा एंगल 2x। ये बात समझ में आई, ये एंगल 2x है तो ये भी हो जाएगा 2x। अब देखिए बेटा यहाँ पे अब आप देखिए यहाँ पे u बन रहा है, और जहां भी u बनता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यहां से इसको सॉल्व कीजिए, 2x प्लस 3x, हाँ 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको ऐड कीजिए कितना हो जाएगा आपका 5x, और 5x की वैल्यू अब आप यहां से निकाल सकते हैं x की वैल्यू आराम से 180, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा आपकी यहां से कितनी निकलेगी, x की वैल्यू आपकी निकलेगी यहां से 36 डिग्री, हाँ कितनी आ गई 36 डिग्री। अब जब बेटा x की वैल्यू आप यहां से निकाल पाए, ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से निकाल पाए तो देखो यहां भी तो बेटा u बन रहा है, देखिए क्या है a प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा a बन रहा u बन रहा है, और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर कारण ये एंगल और ये एंगल आपस में दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। यहां से बेटा देखिए x की वैल्यू निकाल पाए तो x की वैल्यू आप यहां पे पुट कीजिए, तो a प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली 36, 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि a प्लस 36 को दो गुना कितना हो जाएगा 72 डिग्री और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक 72 को उसको उधर लेस कीजिए कितना हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी निकल जाएगी प्यारे तरीके से 108 डिग्री, कितना 108 डिग्री। आप देखिए a की वैल्यू तो बेटा फाइंड करनी थी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर दें, चलिए कर देते हैं फिर से रिपीट, हो सकता है किसी को डाउट हो। देखिए सबसे पहले आपको रेशियो दिया गया, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए बेटा कोई ना कोई आपको पहले तो वेरिएबल देना पड़ेगा, हाँ। तो एंगल आपका जो बी है, यहाँ पे जब रेशियो लिया 2x प्लस 3x, अब इसको वैल्यू को रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद बी की वैल्यू क्या हो गई 2x, हाँ, और सी की वैल्यू हो गई 3x। तो ये 2x है तो ये भी 2x हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से, करेक्ट, वर्टिकल अपोजिट से ये भी 2x हो जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे u बन रहा है, तो u बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका। यहाँ से आपने x की वैल्यू जब फाइंड कर ली, निकाल ली, फिर आपने ये देखा कि इस वाले में यहाँ भी बेटा आपका u बन रहा है, a प्लस b की वैल्यू कितनी थी जब रेशियो में कन्वर्ट किया, रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट किया तो 2x हो गया, हाँ तो 2x हो गया, फिर उसके बाद 180 डिग्री। अब बेटा x की वैल्यू जब आप निकाल पाए तो यहाँ पे रख दीजिए, तो 36 आई और 36 का दो गुना हो जाएगा 72, 180 में से जब 72 लेस करेंगे आप तो a की वैल्यू अच्छे से एकदम बिल्कुल आसान वे में निकाल पाएंगे 108 डिग्री, करेक्ट, कोई डाउट नहीं। चलिए ये बेटा अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी नेक्स्ट क्लास से, और आप देखेंगे बिल्कुल जब एक बार आप अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे तो विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हम दे रहे हैं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप सॉल्व कराया जाएगी एक्सरसाइज ये, ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। अब लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं, हाँ क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जब फ्री आप हम ये देखिए जब आपको YouTube के माध्यम से एडवांस मैथ की फ्री क्लासेस मिल रही हैं तो सभी बच्चों तक शेयर कीजिए,
ताकि वो सभी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लाभ उठा पाए, वो भी तो। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा एक बार देख लें, क्योंकि ये रिपीट कराना आपके लिए मेरी एक बार और जिम्मेदारी बनती है। और आने से पहले आप, कल आने से पहले आपको इस सिनेरियो को फिर से देख के आना है, ठीक है, क्योंकि आगे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सारे इसी पे बेस्ड हैं। ट्रांसवर्सल, कितने कोण आपके दो ही होते हैं, कोण आपके दो ही होते हैं, पर प्रकार कितने हो जाते हैं बेटा, 8। हाँ करेक्ट। इसके बाद वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़ लिया, हाँ, संगत कोण, करस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, क्रमागत आंतरिक कोण। बेटा इन सब की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी स्लाइड में, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, हाँ, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण, सबकी डेफिनेशन मिल जाएगी आपको। बाकी ये सब हमने पढ़ ही लिया। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, आपको फिर से रिपीट कर लेना ये दोनों क्वेश्चन, हाँ ये दोनों क्वेश्चन रिपीट कर लेना। फिर उसके बाद आपको मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर ज़रूर करना आप, ये मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लव यू और टेक केयर, बाय बाय।